कलाकार शिल्पी नेहा तिर्की ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है कांग्रेस की ओर से। एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया गया है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे इस बार क्या कुछ रणनीति जो है वो रहने वाली है। कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया गया है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, कैसे आगे बढ़िएगा, कैसे लोगों से जुड़िएगा? देखिए, अगर हम उस तरह के नेता होते जो चुनाव से जस्ट पहले आते और बड़े बड़े वादा करते तो शायद जनता को भी हम पे शक होती, मगर पिताजी 25 साल से और अब मैं एक एक दिन जनता के बीच में हम लोग रहे हैं। हम लोग केवल गांव नहीं, एक एक घर पहुंचने का काम किए हैं। उस काम से प्रभावित हो के जनता हमारे ऊपर विश्वास करेगी। और इसके अलावे महागठबंधन की सरकार, हमारी जेएमएम कांग्रेस और राजद की सरकार ने जो कर दिखाया है, जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया था, चाहे मैया सम्मान योजना हो, आज गाँव घर में आप जाके देखिए लोगों का बिजली बिल जीरो हो चुका है, 80-80 हज़ार लोन माफी, बिजली बिल माफी हुआ है, 2 लाख तक ऋण किसानों का माफी हुआ है। तो जो 70% आबादी जो गांव घर में रहती है उनका दिल जीतने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसीलिए दोबारा से ये झारखंड की जनता, मांडर की जनता महागठबंधन की सरकार में अपना भरोसा जताएगी। अधिकतर विधायकों को 5 साल का वक्त मिला, आपको सिर्फ 2 साल का वक्त मिला, कितना काम आपने किया और कितना अधूरा है? बहुत चुनौतीपूर्ण था, मगर मैं मांडर की जनता को, खास करके मेरे संगठन के लोगों को और पिताजी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि लगातार इनका मार्गदर्शन बना रहा, जिसके कारण मैं बहुत बड़े बड़े योजनाओं को अपने क्षेत्र में धरातल में उतार पाई हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विधायक एक साथ 23 जगहों का शिलान्यास की है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते थे कि हमारा योजना बिल्कुल भी बाधित ना हो, इसीलिए सुबह से शाम हम लोग योजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे। और वही मैं इस बात को कहती भी हूँ, ये संभव इसीलिए भी हो पाया क्योंकि मांडर विधानसभा एक विशेष विधानसभा है जहाँ पे 2-2 विधायक हैं। बंधु तिर्की जी भी उतना ही मेहनत करते हैं, मैं भी उतना मेहनत करती हूँ, तो इसको कह सकते हैं कि डबल इंजन वाली विधायक है। ये बताइए कौन कौन से मुद्दे के साथ इस बार जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सरकार ने काम किया है तो उन काम को हम लोग जनता तक बताने का प्रयास करेंगे और उनको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि ये चुनाव केवल हम सरकार नहीं बना रहे हैं, मगर झारखंड को विभाजनकारी ताकतों से और पूंजीपति ताकतों से भी बचा के हम इस राज को रख रहे हैं। सांसद पप्पू यादव भी आपके साथ मौजूद थे जब आपने नॉमिनेशन फाइल किया, कितना अच्छा लगा जब वो यहाँ पर पहुंचे? बहुत अच्छा लगा, पिता समान है, अंकल जैसे है, अपना आशीर्वाद दिया। और देखिए, वो तो खुद ही जमीनी स्तर के नेता है, चीजों को समझते हैं और सही ताकतों का साथ आज यहाँ दे रहे हैं। तो देखिए, उस वक्त हमारे साथ मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद थी, इस वक्त हमारे साथ बंधु तिर्की भी मौजूद है। हम बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज शिल्पी नेहा तिर्की ने नॉमिनेशन फाइल किया, अधिकतर विधायकों ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, इन्होंने 2 साल का, बाय इलेक्शन के बाद इनके पास सिर्फ 2 साल का वक्त था, कैसे देखे और कितना आकलन कर पा रहे हैं? देखिए, उपचुनाव होने के बाद 2 साल का उनको अवसर मिला, सदन में भी एक उन्होंने अपना एक अच्छा पहचान बनाई, जो राज की जनता उसके जो सदन के सदन में जो उनका जो रहा है काम, सदन में जो बात को उठाती है लेकिन राज की जनता भी सराहना करते हैं। और विधानसभा इलाका में क्षेत्र में लगातार वो काम जिस तरह से मैं करता था उसी तरीके से रात दिन लग करके आम जनता से मिलना, वहाँ के समस्याओं से करना, पदाधिकारियों से बात करना, और कम दिनों में 2 साल में बहुत बड़े बड़े काम उनके द्वारा किया गया है। दूसरी बात है कि वहाँ पर मांडर विधानसभा है, ऐसा है झारखंड में कि दोनों बेटे विधायक हैं, हम भी हैं और हम लोग दोनों वहाँ लगे रहते हैं, मतलब कहा जाए कि बड़ी लकीर खींच दिया गया है और अभी उस लकीर को दूसरों को छूना इतना आसान नहीं है। बाकी सब आम लोगों का, जनता का आशीर्वाद चाहिए। शिल्पी निश्चित रूप से आने वाले दिन में जीत करके आएगी और ये जनता भी यहाँ पर हेमंत सोरेन को पुनः मुख्यमंत्री बनाना देखना चाहती है। हेमंत पुनः मुख्यमंत्री बनेगा और यहाँ के हमारे मैया से लेकर के बाकी योजनाओं को भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। शिल्पी जी ने कहा कि मांडर में डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप भी उतने ही हद तक काम करें जितना शिल्पी नेहा तिर्की काम कर रही है, तो आपको क्या लगा कौन सा ऐसा काम है जो अधूरा है जो आप लोगों को पूरा करना है? इरीगेशन सिंचाई से रिलेटेड मामला है और चूंकि वहाँ के लोग बहुत पलायन करते हैं इसलिए उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते सिंचाई को ही मेन हम लोग फोकस करके चल रहे हैं। और इसके अलावा शिक्षा वगैरह के संबंध में, हेल्थ में भी हम लोग वहाँ पर उसको बेहतर करने का हम लोगों का प्रयास रहेगा और हो रहा है धीरे धीरे। हॉस्पिटल भी वहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल वगैरह खोला गया। कॉलेज के बारे हम लोग का एक सब ये है कि मांडर में कॉलेज को हम लोग विश्वविद्यालय के रूप में हम लोग करें।
बंधु तिर्की मौजूद थे, उससे पहले आपने देखा कि शिल्पी नेहा तिर्की हमारे साथ मौजूद थी। दोनों का स्पष्ट रूप से यही कहना है कि कई मुद्दों के साथ ये लोग जनता के बीच में जाएंगे। साथ ही साथ इनका कहना है कि दो साल में शिल्पी नेहा तिर्की ने बेहतरीन कार्य किए हैं। आपने सुना कि शिल्पी नेहा तिर्की का स्पष्ट रूप से कहना है कि आने वाले समय में और भी विकास का कार्य जो है वो मांडर में देखने को मिलेगा। फिलहाल कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार। सेवा में है वास्तुविहार।